हेलो गाइस, इट्स मी सौरभ मन्ना। वेलकम बैक टू माय चैनल। सो पैरामेडिकल वालों के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। आप लोगों का फॉर्म फिलअप कब से होगा, डेट्स वगैरह क्या क्या है और एग्ज़ाम्स कब होगा, है ना। इसके रिगार्डिंग मैंने वीडियो डाल दिया है, आप मेरे प्लेलिस्ट सेक्शन में जा सकते हैं झारखंड पैरामेडिकल का, है ना। वो वीडियो को ज़रूर देख लीजिए, उसमें मैंने पूरे डिटेल में बताया कि जो लोग डिप्लोमा कोर्स करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या क्या ज़रूरी है ना, और जो लोग बीटेक कोर्स करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या क्या ज़रूरी है, सब कुछ मैंने उसमें बता दिया था, ठीक है। तो वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा, ओके। तो इसमें आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ जो एग्ज़ाम जो होगा, एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा, इसका पैटर्न कैसा रहेगा, क्वेश्चन कितना रहेगा, किस टाइप का क्वेश्चन आएगा, फिर इसमें कितना अवार्ड मिलेगा, कितना नेगेटिव मार्किंग है, सब कुछ मैं आपके साथ इसमें शेयर करने वाला हूँ, ओके। और सिलेबस में क्या क्या रहेगा इसमें, सब कुछ शेयर करने वाला हूँ। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, ओके। तो देखिए, एग्ज़ाम जो है वो ऑब्जेक्टिव टाइप एग्ज़ाम रहेगा, ओके। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहेगा, क्वेश्चन जो रहेगा वो पैटर्न क्वेश्चन हिंदी में भी रहेगा और इंग्लिश में, दोनों में ही रहेगा, ठीक है। तो जिन लोगों को इंग्लिश में कोई प्रॉब्लम नहीं तो वो लोग इंग्लिश के माध्यम से एग्ज़ाम्स दे सकता है, जिन लोगों को हिंदी में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो वो लोग हिंदी में भी एग्ज़ाम दे सकता है। मतलब हिंदी क्वेश्चंस हिंदी में रहेगा तो उन लोगों को आसानी रहेगा समझने में, ठीक है। तो ये हो गया, अब बात करते हैं जो मार्क्स जो मिलेगा, अगर आपका आंसर सही रहा तो आपको कितना मिलेगा, एक मार्क्स आपको अवार्ड किया जाएगा, और अगर नेगेटिव रहा तो 0.25, ओके। बात करते हैं अब इंटरमीडिएट लेवल एग्ज़ाम पैटर्न, जो जो लोग PCM के थ्रू भरेगा, फॉर्म फिलअप करेंगे वो लोग, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स क्वेश्चंस रहेंगे, तो इसके लिए फिजिक्स केमिस्ट्री 50 क्वेश्चंस रहेगा और मैथमेटिक्स का भी 50 क्वेश्चंस रहेगा, ओके। और जो लोग PCB फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायो जो ये करेंगे तो उनके लिए रहेगा फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी का क्वेश्चंस रहेंगे 50-50 करके, ओके। और जिन लोगों का मैट्रिकुलेशन था, मैट्रिकुलेशन में जो लोग मैट्रिकुलेशन था, जो एक साल का सर्टिफिकेट कोर्स, उनका जो रहेगा सब्जेक्ट्स मैथमेटिक्स एंड साइंस रहेगा 50 क्वेश्चंस से, और जनरल नॉलेज रहेगा 50 क्वेश्चन, ठीक है। सिलेबस की बात की जाए फिजिक्स में कुछ ये सब टॉपिक्स जो आपको तैयारी करना है, मेजरमेंट, काइनेमेटिक्स, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा क्या क्या टॉपिक्स, आपको ये सब एकदम अच्छे से पढ़ लीजिए। आपने जो भी 12th में पढ़ा, जो भी आपने इंटरमीडिएट में पढ़ा है, वो सब एकदम अच्छे से पढ़ लीजिए। आपके पास NCERT होगा ही होगा फिजिक्स का, तो NCERT को अच्छे से फॉलो कीजिएगा। क्वेश्चन बैंक तो होगा ही आपके पास इंटरमीडिएट का, उसको भी ले लीजिएगा, ओके। केमिस्ट्री में आपको दिख रहा होगा फिजिकल केमिस्ट्री, ओके, जिसमें से एटॉमिक स्ट्रक्चर, केमिकल बॉन्ड, सॉल्यूशन, सॉलिड स्टेट, न्यूक्लियर केमिस्ट्री, ये सब टॉपिक्स जो आपको पढ़ना होगा इस एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से भी क्वेश्चंस वगैरह पूछे जाएंगे, प्रिंसिपल्स ऑफ मेटलर्जिकल ऑपरेशन, ट्रांजिशन मेटल्स, केमिकल एनालिसिस, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ये सब क्वेश्चंस आते रहेंगे, ओके। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से भी आएंगे केमिस्ट्री ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग ऑर्गेनिक ऑक्सीजन, बायो मॉलिक्यूल्स, ये सब से टॉपिक्स वगैरह से क्वेश्चंस आते रहेंगे। केमिस्ट्री से क्वेश्चंस वगैरह अच्छे से आएंगे, ठीक है। बायोलॉजी में भी क्वेश्चंस आएंगे, जूलॉजी से ऑरिजिन ऑफ लाइफ, ऑर्गेनिक एवोल्यूशन, अप्लाइड बायोलॉजी, एनिमल साइकोलॉजी, ओके। बॉटनी से भी कुछ कुछ टॉपिक्स आएंगे, प्लांट सेल, प्रोटोप्लाज्म, इकोलॉजी, इकोसिस्टम, जेनेटिक्स, आपने जो भी 12th में पढ़ा यही सब से रिलेटेड क्वेश्चंस आएगा। मैथमेटिक्स में आपने देख लिया है ये सब टॉपिक्स रहेगा, एलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, डिफरेंशियल कैलकुलस, स्टैटिस्टिक्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये सब से रिलेटेड क्वेश्चंस वगैरह आएंगे। अगर आपके पास आर एस अग्रवाल है तो आपके लिए और भी अच्छा रहेगा, क्योंकि आर एस अग्रवाल जो बुक है, मतलब उसमें एग्जाम्पल्स, सॉल्व एग्जाम्पल्स तो मिल ही जाएगा, तो आप उसको डेली प्रैक्टिस करते रहिएगा, ओके। ये सब टॉपिक्स वगैरह तो रहेगा ही रहेगा, है ना। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का मैंने बता दिया, मैथ्स भी बता दिया। इंग्लिश की बात की जाए, कुछ वर्ड मीनिंग्स रहेगा, एंटोनेम्स, सिनोनेम्स, फिल इन द ब्लैंक्स, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वगैरह कुछ कुछ टॉपिक्स आएगा, प्रोनाउंस, वर्ब्स, एडवर्ब्स, एडजेक्टिव्स, इम्प्रूवमेंट ऑफ सेंटेंस विद करेक्ट यूज, है ना, ये सब क्वेश्चंस वगैरह रहेगा, मीनिंग ऑफ फ्रेजेस एंड आइडियम्स, ओके। और कुछ GK क्वेश्चंस वगैरह भी पूछे जाएंगे, ओके। जो पुराना पुराना GK क्वेश्चंस रहता है वो सब पूछा जाएगा, ठीक है। जिन लोग मैथमेटिक्स, साइंस या तो जनरल नॉलेज के एग्जाम्स, मतलब जो मैट्रिकुलेशन लेवल एग्जाम देंगे उन लोगों के लिए, ओके। तो उम्मीद करते हैं आपका यह सारा डाउट क्लियर हो चुका, और अगर आप चाहते हैं इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन बैंक लेना चाहते हैं तो आप फ्लिपकार्ट में सर्च कीजिए, आपको इसका क्वेश्चन बैंक मिल जाएगा 2020 का, है ना। झारखंड पैरामेडिकल सर्च कीजिएगा तो आपको दोनों बुक मिलेगा, एक आपका इंटरमीडिएट के लिए भी मिलेगा और एक आपका मैट्रिकुलेशन लेवल का भी मिल जाएगा क्वेश्चन बैंक, ठीक है। उससे क्या होगा, आपका एक आइडिया हो जाएगा कि कैसा क्वेश्चंस आया था प्रीवियस ईयर, और आप उसको प्रैक्टिस भी कर सकते हैं डेली, ओके।
तो उम्मीद करता हूँ आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा, आपको टॉपिक्स वगैरह पता चल गया होगा। तो जाइए अपना तैयारी कीजिए, एग्ज़ाम्स तो बोला गया नवंबर या तो दिसंबर में करवाया जाएगा, अगर नवंबर में होगा तो नवंबर के एंड में या हो जाएगा या तो दिसंबर का फर्स्ट टू सेकेंड वीक तक हो जाना चाहिए एग्ज़ाम आप लोग का। ओके, तो आज इसके रिगार्डिंग फॉर्म फिलअप चालू हो जाएगा है ना, अगर आज चालू हो जाता तो मैं इसके रिगार्डिंग वीडियो लाऊंगा, अगर आज नहीं आता तो कल तो आ ही जाएगा कंफर्म। तो इसके रिगार्डिंग मैं वीडियो लाऊंगा कि कैसे फॉर्म फिलअप करना है और इसमें क्या क्या डिटेल्स डालना होता है। ओके, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिएगा है ना, ये सब ऐसे अपडेट्स पाने के लिए JCC की तरफ से। ठीक है, तो वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं, थैंक यू।